हरिओम, मैं योगाचार्य भारती। आज मैं आप सभी को बताऊंगी दो ऐसे आसन जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनसे होने वाले लाभ भी आज मैं आपको बताऊंगी और किन्हें नहीं करना चाहिए यह भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहला अभ्यास है मार्जरी आसन। वज्रासन में बैठ जाएं, नितंबों को उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आगे की ओर झुकें और हाथों को कंधों के नींव पर रख इस प्रकार रखें कि उंगलियां की ओर रहें, हाथ घुटने की ठीक सीध में रहें, भुजाएं और जांघे जमीन पर लंबवत रहें, दोनों घुटने एक साथ रहें अथवा थोड़े अंतर पर रहें। यह प्रारंभिक स्थिति है। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और मेरुदंड को नीचे की तरफ झुकाएं ताकि पीठ आपकी धनुष से, आमाशय को पूर्णतः फैलाएं और अधिक से सिर को नीचे लाते हुए और मेरुदंड को धनुषाकार रूप में ऊपर ले जाते हुए श्वास आपने छोड़नी है। पूर्णतः श्वास छोड़ने के पश्चात आमाशय को संकुचित कर ले और नितंबों को ऊपर की ओर ताने। इस स्थिति में सिर भुजाएं जो है मध्य में जांघों के सामने रहेंगी, मेरुदंड के चापों गहरा बनाते और आमाशय के संकुचन को बढ़ाते हुए 3 सेकंड तक आपने श्वास को रोके रखना है। यह आपका एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं मार्जरी आसन का। और श्वसन इसमें रहेगी आपकी, जितना ज़्यादा संभव हो सके धीमा रखें श्वसन को। आप श्वास और प्रश्वास दोनों के लिए कम से कम 5 सेकंड का समय आप लगाएं, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। और उज्जायी श्वसन का आप उपयोग इसमें कर सकते हैं यदि आप चाहें। और इसकी अवधि रहेगी, यदि आप सामान्य उद्देश्य के लिए इसे कर रहे हैं तो 5 से 10 चक्र तक अभ्यास आप इसका कर सकते हैं। और सजगता आपकी इसमें रहेगी स्वाधिष्ठान चक्र पर और अपने मेरुदंड पर। इस आसन के जो लाभ हैं, यह आपकी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, कंधों और मेरुदंड के लचीलेपन में यह सुधार लाता है और स्त्रियों के प्रजनन तंत्र को यह पुष्ट करता है, तो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, 6 महीने तक की गर्भावस्था में, यानी कि फिर भी 3 महीने के बाद आमाशय के बलपूर्वक संकुचन से परहेज आपको करना चाहिए। और श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया जिसे कहते हैं वह भी इससे ठीक होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि आपके घुटने में कोई इंजरी है तो आप जरा इससे परहेज रखें। उसके बाद आपने शशांक आसन करना है। अब हम तैयार होंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास करेंगे हम सुप्त पवन मुक्त आसन। तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्रारंभिक स्थिति में लेट जाना है, दाहिने घुटने को मोड़े और जांघ को वक्ष के निकट ले आए। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने ठीक वैसे वैसे करना है। कि उंगलियों करके दाहिने घुटने के पास कसकर पकड़े, बाएं पैर को सीधा कर जमीन पर रखें, गहरी श्वास छोड़कर फेफड़ों को जितना संभव हो सके उतना खाली करें, श्वास को बाहर दाहिने घुटने का स्पर्श करने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में श्वास को रोककर मानसिक गणना करते हुए कुछ क्षणों तक रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और शरीर को शिथिल करें। दाहिने पैर से 3 बार और बाएं पैर से भी 3 बार इसे दोहराएं। अभ्यास टिप्पणी इसकी यह है कि जो पैर आपका सीधा है वह जमीन के संपर्क में रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। दाहिने पैर से ही अभ्यास हमेशा प्रारंभ करना है क्योंकि यह सीधे अधिरोही वृद्धांत्र को दबाता है। उसके बाद बाएं पैर से अभ्यास करें क्योंकि इससे अवरोही वृद्धांत्र दबता है। ठीक इसी प्रकार से आपने दूसरे पैर से भी अभ्यास, सजगता इसमें आपकी रहेगी श्वास, अंतिम स्थिति में मानसिक गणना और पेट के दबाव की गति पर रहेगी। सीमाएं इसकी यह है कि उच्च रक्तचाप और साइटिका स्लिप डिस्क जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास वर्जित है। और इसके बहुत ही अच्छे लाभ है, यदि आप डेली करते हैं इसको तो आपको बहुत ही अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। सुप्त पवन मुक्त आसन पीठ के निम्न भाग की पेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड की कोशिकाओं को लचीला बनाता है और यह पेट और आपके पाचन तंत्र की मालिश करता है, इसलिए वायु विकार और कब्ज को दूर करने में यह आसन बड़ा प्रभावी है। अब इसे दोनों पैर से कीजिए। आप इस प्रकार से श्वास बिल्कुल वैसे ही लेना है, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपने श्वास को छोड़ना है और आपकी जो नाक है वह दोनों घुटनों के बीच।
इसके लाभ के बारे में हम बात मालिश करता है। बंध्यापन और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के निदान में बहुत ही अच्छा है। तो जिसको भी बांझपन की शिकायत है वह इसका अभ्यास जरूर करें, आपको जरूर सहायता मिलेगी। तो ये दोनों अभ्यास मार्जरी आसन और सुप्त पवन मुक्त आसन, इनका अभ्यास आप रोजाना कीजिए और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। और आजकल तो आप घर में इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। हरिओम।